What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज है 15 दिसंबर 2020 ट्यूसडे है, सुबह के 8:30 हो रहे हैं। दूसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का और कल भी हमने देखा हफ्ते के पहले दिन निफ्टी ने नए हाईस क्रिएट किए, हालांकि सस्टेन नहीं हो पाया उस लेवल के ऊपर। एक दोजी कैंडल बना है डेली चार्ट में, यानी इंडिसेस में से बुल्स और बेयर्स में जहाँ पर ओपन हुआ था उसी के पास आकर ये क्लोज हुआ है। लगातार तीसरे दिन एक दोजी जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है। तो आज क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 14 दिसंबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ही आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 13,569 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 13,474। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। निफ्टी इंडेक्स ब्रेकआउट लेवल के पास ही ओपन हुआ और शुरू के 10 मिनट में ही फर्स्ट टारगेट 15,585 ये अचीव हुआ और R1 का जो पिवट पॉइंट का लेवल था एग्जैक्ट उसी के पास इसने रेजिस्टेंस फेस करके ये टूवर्ड साउथ की तरफ आया और पूरे दिन एक साइडवेज एक बोरिंग फेज में निफ्टी इंडेक्स ट्रेड हो रहा था। नीचे आते वक्त एग्जैक्ट ब्रेकडाउन लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया है, एग्जैक्ट काफी एक्यूरेट लेवल साबित हुए और पूरे दिन एक स्लगिश वे में निफ्टी इंडेक्स ट्रेड हो रहा था। कल ट्रेंडलेस मार्केट देखने को मिल रहा था। अब ये ट्रेंडलेस मार्केट कैसे था ये अगर इंडिकेटर थ्रू अगर पहचानना है तो जैसे कि हमने स्टडी प्रोग्राम में ADX के बारे में हमने देखा था, जिसने भी हमारा स्टडी प्रोग्राम किया है उनको पता होगा ये जो ADX इंडिकेटर हमने ऐड किया है यहाँ पर, ये जो ब्लैक लाइन है ये ADX का वैल्यू हमें प्रेजेंट करता है और ये रेड और ये ग्रीन ये हमें अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का ये जो ट्रेंड है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है अभी इस समय इंडेक्स में या फिर स्टॉक में, ये इससे ट्रेंड हमें पता चलता है और उसका स्ट्रेंथ वीक है या स्ट्रांग है ये ADX थ्रू हमें पता चलता है। तो अभी कल का अगर दिन देखें पूरा फ्लैट निफ्टी इंडेक्स एक स्लगिश वे में ट्रेड कर रहा था और नीचे ADX को देखें ये ब्लैक लाइन जो है शुरू में यहाँ पर फर्स्ट टारगेट अचीव करने के बाद जैसे ही ये 20 ये जो डॉटेड लाइन है ये 20 मार्क किया हुआ है लेवल यहाँ पर, इसके नीचे पूरे दिन ये 20 के लेवल के नीचे ट्रेंड हो रहा था और ऊपर आप देख रहे एक ट्रेंडलेस मार्केट यहाँ पर देखने को मिल रहा था। तो जब तक ये 20 के ऊपर नहीं जाता तब तक ये जो ट्रेंड चल रहा है आइदर ये या फिर डाउन ट्रेंड हो या फिर अप ट्रेंड ये इसमें स्ट्रांग है या वीक ट्रेंड है ये हमें पता नहीं चल रहा। तो जब तक ये 20 के ऊपर नहीं जाता ADX तब तक ट्रेंड स्ट्रांग है ये ऐसा हम कह नहीं सकते। तो यहाँ पर एक ये एग्जाम्पल था जो हमने स्टडी प्रोग्राम में सीखा है यहाँ पर भी हमें देखने को मिला कल। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 8 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 6,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। ये तक कल के एनालिसिस का रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिका में भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, फर्स्ट वैक्सीनेशन हो चुका है। कल नासडैक 62 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो वहाँ पर मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है लास्ट 2 मंथ से, वहाँ पर कोरोना के केसेस भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि UK में अभी तक वैक्सीनेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, रशिया में हुआ है और कल अमेरिका में हुआ है। एशियाई बाजार आज देखे तो लगभग सभी इस समय लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। कल एक दोजी कैंडल बना था, दोजी जब भी बनता है तभी एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है, कन्फर्मेशन नहीं होता। कन्फर्मेशन के लिए नेक्स्ट डे उसका हाई या फिर लो कंफर्टेबली ब्रेक करना बहुत जरूरी होता है। तो लेट्स सी आज देखते हैं, आज अगर लो ब्रेक करता है कल का तो निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो ये ग्लोबल मार्केट्स में अभी फिलहाल एशियाई बाजार देखे तो लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं, हालांकि डाउ फ्यूचर में हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है 56 पॉइंट्स की। चलते निफ्टी के चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट से शुरू करेंगे। डेली चार्ट में अगर आप देखें लास्ट तीन दिन का कैंडल है, दोजी जैसा कैंडल बन रहा है, जहाँ पर ओपन हो रहा है उसी के पास आके क्लोज हो रहा है। बॉडी काफ़ी बड़ी नहीं है कंपेयर टू शैडो, क्योंकि नीचे आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा शैडो छोड़ दिया और जहाँ पर ओपन हो रहा है उसी के पास आके क्लोज हो रहा है, यानी लगातार 3 दिन से यहाँ पर एक इनडिसिजिवनेस देखने को मिल रहा है। मार्केट में ट्रेंडलेस मार्केट देखने को मिल रहा है। अगर आप
ये आर्ली चार्ट में देखें तो कंटिन्यूस आप देख सकते हैं एक जोन यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। ये जो जोन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जोन बना हुआ है लगातार 3 दिन से। अभी आइदर इसका अपसाइड ब्रेकआउट हमें मिल सकता है, या फिर ये अगर नीचे की तरफ ये जो लोअर बैंड बना हुआ है इसको अगर ब्रेक करेगा तो यहाँ से और भी हमें तेज करेक्शन आता हुआ नजर आ सकता है। तो टेक्निकली अभी फिलहाल अप ट्रेंड के बाद एक साइडवेज पैटर्न में निफ्टी इंडेक्स हमें देखने को मिल रहा है। निफ्टी इंडेक्स जब भी अप ट्रेंड में जाता है ये यहाँ पर ऐसे, तो उसके बाद यहाँ पर एक साइडवेज पैटर्न आ जाता है। फिर साइडवेज पैटर्न जो है ये इसके बाद इसका अपर बैंड या फिर लोअर बैंड जब तक ब्रेक ना हो तब तक यहाँ पर पोजीशन लेना काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है। तो वेट एंड वॉच करना चाहिए जब तक ये अपर बैंड को ब्रेक ना करे या फिर लोअर बैंड को ब्रेक ना करे। हमें यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं मिलेगा कि नेक्स्ट ये अपवर्ड में कंटिन्यू हो रहा है या फिर यहाँ से एक करेक्शन आ सकता है। तो ये पैटर्न होता है तो हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो आज के लिए अपसाइड मूवमेंट अगर आता है तो ये जो कल का हमारा ब्रेकआउट लेवल है 13,571 सेम वही रहेगा। इसके ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 13,587। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 13,610। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो पहले तो पीवट पॉइंट का सपोर्ट लेवल है, फिर 20 EMA है, फिर पीवट पॉइंट का S1 का लेवल है। तो इन जो भी हर्डल्स है सपोर्ट लेवल से उनको कंफर्टेबली ब्रेक करता है, यानी 13,486 के नीचे अगर सस्टेन करता है निफ्टी इंडेक्स तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा कल का लो, यानी ऑलमोस्ट 13,470। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 13,452। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।